Hello everyone, now I'm going to teach mathematics of class 9. In our previous video, we learned till exercise 7.1 and theorem 1. In this video, we learned exercise 7.2 and theorem 2 and theorem 3. So, firstly, we learned theorem 2. The angles opposite two equal sides of an isosceles triangles are equal. आपको थ्योरम टू में कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट का जो एंगल होगा isosceles triangle में वो भी इक्वल होगा. इसके प्रूफ करने सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी डी गिवेन इन ट्रायंगल एबीसी. आपको गिवेन है एबी इक्वल टू है एसी के. टू प्रूव आपको प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ bisector of angle A which meets BC at point D. अब इसे हम कंस्ट्रक्शन कर लिए कि ड्रॉ bisector of angle A, angle A का एक bisector ड्रॉ किए जो कि BC से D पे मीट कर रहा है. प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ABD और ACD दोनों ट्रायंगल हम देखते हैं तो AB इक्वल टू AC है गिवन. AD इक्वल टू AD दोनों ट्रायंगल में है कॉमन. और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन. दैट मींस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACD बाय SAS से. सो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल CED. आइए बच्चों हम अपना नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. थ्योरम 3 the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. इसमें आपको कह रहा है कि the side opposite to equal angle यानी equal angle की opposite वाला जो दोनों side होगा वो equal होगा. फिर इसके लिए भी हम एक triangle create करते हैं A बी सी. इस पर एक डी लेते हैं हम बाइसेक्टर इसका या फिर ये नहीं डालते अभी हमको प्रूफ ही करना है. गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी. कंस्ट्रक्शन draw bisector AD of angle A which meets BC at point D. यहां भी सेमी कंस्ट्रक्शन किए जो थ्योरम टू में हम करते हैं. अब प्रूफ सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है आपको. एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी कॉमन है और ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन. ये बाय कंस्ट्रक्शन है. सो ट्रायंगल ए बी डी ये आपको कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी के.
by AS. So AB equal to AC. तो बच्चों यही दो थ्योरम्स थे। अब हम आपका एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आप ले लेंगे ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, बी का और सी का बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ओ पे। ज्वाइन ए टू ओ, ए को आप ओ से ज्वाइन कर देंगे, तो सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो सबसे पहले गिवेन, यहां दिया है एसोसिएट्स ट्रायंगल है, दैट मींस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, हाफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी, और एंगल ए बी सी का हाफ कौन लिख सकते हैं, एंगल सी बी ओ, सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो सामने का साइड भी इक्वल होगा, दैट मीन्स ओ बी इक्वल टू ओ सी। फिर नेक्स्ट के लिए अगेन हाफ एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ एंगल एसीबी, तो दैट मींस एंगल एबीओ, एबीओ ये एंगल इक्वल होगा एंगल एसीओ के। अब नाउ इन ट्रायंगल एबीओ एंड ट्रायंगल एसीओ, दोनों ट्रायंगल में एबी इक्वल टू एसी गिवन है, वो OB इक्वल टू OC ऊपर प्रूफ कर लिए, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO ये भी हमें प्रूफ किए हैं। सो ट्रायंगल ABO कांग्रुएंस ट्रायंगल ACO, दो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया बाय SAS। या सो एंगल ABO इक्वल टू एंगल ABO इक्वल टू आपको हो गया एंगल सी एओ के, और एंगल बी एओ, बी एओ इक्वल टू एंगल सी एओ। हेंस अब जैसे ही आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो बच्चों आपको 7.2 के सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।